सिटी होम न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस का त्यौहार है और आज के दिन बाजार सजे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और धनतेरस का काफ़ी महत्व होता है हमारे पुराणों में। और कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं दिवाली में भी गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार धनतेरस वाले दिन भी सोने की चीज़ें खरीदी जाती है, बर्तन खरीदे जाते हैं, यहाँ तक कि झाड़ू खरीदने का भी महत्व होता है। कहते हैं कि झाड़ू खरीदने से भी लक्ष्मी घर आती है। तो अभी हम मौजूद हैं लुधियाना के चौड़े बाज़ार में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ार पूरे सजे हुए हैं और लोग ख़रीदारी करते हैं, यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली में मिठाइयों का कितना महत्व होता है, बिना मिठाइयों का तो कोई भी त्यौहार नहीं होता। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मिठाइयाँ लगी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डब्बों में पैक्ड है और मुरब्बे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैक्ड हैं। और आप जानते ही हैं कि जो दिवाली का त्यौहार है और धनतेरस का त्यौहार है, उसमें मिठाइयाँ हो या फिर नए नए कपड़े हो या फिर नई नई चीज़ें हो, ये खरीदने का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन होता है और लोग आते बाज़ारों में और इन सब चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। और साथ ही दिवाली में जो तक गिफ्ट की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है, जो लोग होते हैं अपने परिजनों को गिफ्ट्स खरीदते हैं, उनके लिए उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें मिठाइयाँ देते हैं, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे खरीदते हैं। तो आप ये सारे शॉप्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दुकानें सजी धजी है, यहाँ पे एक तो मिठाई की शॉप लगी, मुरब्बों की दुकान लगी हुई है, साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ों की दुकान लगी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई तरीके के स्टॉल्स और दुकान वगैरह लगाए गए हैं। बर्तन के दुकानों में आप अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं और साथ ही बाज़ार की रौनक आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक देखते में बनती है। तो ये आप देखें, यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगी हुई है, सुंदर सुंदर मालाएं लगी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, मनमोहक दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर दीपक है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दिवाली में अगर दीप ना हो तो दिवाली फीकी लगती है, दिवाली दिवाली नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये दीपक आप देख सकते हैं, रंग बिरंगे दीपक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है, चहल पहल देखने को मिल रही है। आम दिनों में इतनी चहल पहल और रौनक हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन ये दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस का त्यौहार है, तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी रौनक बाज़ारों में आम तौर पर देखी जा सकती है। आइए यहाँ पर और जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी खुशी के बारे में या फिर वो जो खरीदारी करें उसी के बारे में हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शॉपकीपर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो बाज़ारों में रौनक लगी है। सर, दिवाली का त्यौहार है और आज धनतेरस है, तो क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है जी, बाज़ार में बहुत बढ़िया है, खुशी का माहौल है, धनतेरस का दिन है, माल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है बाज़ार, शॉपिंग बढ़िया हो रही है। काम कैसा चल रहा है आपका? काम ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे कि पिछले 2 साल कोविड रहा, कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा बाज़ार की रौनक ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो रौनक इस बार फिर हमें देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे? अब कोविड तो देखो जब ख़त्म होने को आ गया है, कोविड का तो अब कभी है नहीं, अब कोई मास्क नहीं रहता, कोई नहीं, कोविड का सिस्टम ख़त्म हो गया, बाज़ार में दोबारा से फिर रौनक आनी शुरू हो गई है, बाज़ार चलने शुरू हो गए हैं, काम भी अब आगे से पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। तो आपके शॉप पर अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, तो क्या क्या है आपकी शॉप पर? हमारी शॉप में सारी किचन अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक आइटम है, प्लास्टिक गुड्स है, एलपीजी वगैरह है, हर चीज़ है। हम डिस्काउंट पे माल दे रहे हैं इस समय, दिवाली करके सेल भी लगाया हुआ है, 50 किसी पे 40% लेस है, किसी पे 50% लेस है, ऐसे माल बेच रहे हैं हम सारा उनका। अभी हमारे पास यहाँ पे शॉपकीपर मौजूद है, तो इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी दिवाली और इनका धनतेरस कैसा गुजर रहा है। सर, आपका भी जैसा धनतेरस है तो काम कैसा चल रहा है? मैम, अगर सिर्फ आज को देखें तो कुछ कस्टमर्स, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से चले तो 60% के आसपास, अगर हमें 100 की उम्मीद थी तो मतलब 50-60 है। जो अगर पीछे संडे का हम देखें तो संडे इतना ज़्यादा फ्लॉप गया ना, जिसके कारण हमारा सारा बाज़ार, मतलब अगर हम गारमेंट शॉप या आपस में बैठ के बात कर रहे थे रात को, तो आज तक की हमने फर्स्ट दिवाली ऐसी देखी है कि जिसमें इतनी ज़्यादा परसेंटेज मतलब डाउन रही हो। नॉर्मली अगर हम मतलब
अगर किसी को बता भी रहे थे ना कि आज आपकी कितनी परसेंटेज गई है दिवाली की, अगर हम 100 गिनते हैं ना पिछली बारों को, चलो पिछला साल को कोविड के कारण स्लंप था, अगर उससे पीछे में चले जाते हैं तो ये वाली दिवाली 30% थी संडे को लेके। इस बार इतनी ज़्यादा मतलब लोग इरीट मतलब अपने आप से वो घबराए हुए थे। देखो त्यौहार तो सबका ही अच्छा लगना चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के जिस हिसाब से आज थोड़ा सा कस्टमर निकला, चाहे वो बड़ा बिग परचेज नहीं कर रहा, थोड़ी आइटम ले रहा, पर आने जाने से क्या सब दुकानदारों का मन लग जाता, तो ये चलते रहना चाहिए ताकि सबकी दिवाली अच्छी जाए। धनतेरस से दिवाली की बहुत अच्छी, धनतेरस से दिवाली की बहुत अच्छी लग रही है कि भाई हाँ आज दिवाली अब आने वाली है। दिवाली एक अमाउंट फिगर देखिए वो नहीं है, बड़े गिफ्ट को अभी नहीं लोग हाथ डाल रहे, बट एक धनतेरस पे क्या होता है, चाहे हम 6 चम्मच लेके जाएं अपने घर में पर लेके जरूर जाएं, खाली ना जाएं। पहले धनतेरस क्या होती थी, सोना चांदी, अब कहाँ पे आ गई, फिर पीतल पे आ गई, अब स्टील पे आ गई। बट ये है कि जिस हिसाब से अब सुनने में आया, हमारे चन्नी जी भी काफी मतलब अच्छा उसमें चल रहे हैं कि उन्होंने काफी बिजली को लेके भी दी है, अगर वो शॉप कीपर्स और सबका ध्यान रखते हैं तो मेरे को लगता है कि दुकानदार और वो पिछली वाली खुशहाली हमारी वापिस आनी भी चाहिए और आ भी जाएगी। ठीक है, जैसे 2 साल कोविड रहा और 2 साल कोविड के कारण काफी ज्यादा काम खराब रहा, लेकिन 2 साल के मुताबिक अगर इस साल देखा जाए तो कैसा गया ये धनतेरस आपका? मैम अगर 2 साल से पिछले 2 साल से पहले वाले को देख के अगर कंपैरिजन किया जाए तो 40-50% इज मैं बड़ी अच्छी मतलब इज्जत रखने के लिए रेशो बोल रहा हूँ कि जिसमें किसी को फील ना हो कि यार इतना बुरा गया। अदरवाइज ऐसे दुकानदार भी हैं, मेरा फ्रेंड है उसका गारमेंट का काम है, वो बता रहा था कि भाई मैं 4 लिफाफे दिल्ली से, अगर 1 लिफाफे की अमाउंट 1 लाख के अबाउट बनती है तो वो लाया हूँ, जिसमें से मैं नॉर्मली 50% संडे को उम्मीद लगा के बैठा था, जिसमें से मैं 10-15% भी नहीं कर पाया। तो इस बार की दिवाली काफ़ी स्लंप है, बट आज को देखते हुए अगर कल का दिन भी थोड़ा सा ठीक जाता है तो ये है कि हैंड टू माउथ वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी तो भगवान भरोसे ही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वहीं कुछ लोग थोड़े निराश भी हैं क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा काम डाउन गया था और पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर पिछले 2 साल के भी अगर पीछे जाके देखा जाए तो उसके मुताबिक जो ये फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है इनका गुजारा और काफ़ी ज़्यादा माहौल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है बाज़ार का। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं बाजार में, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आप जैसे भी शॉपिंग करने आए हैं, क्या आप क्या खरीदने आए हैं? आज हम खरीदने आए धनतेरस के लिए सामान लाइक बर्तन हो गए, घर घरौंदा हो गया और पूजा का सामान लेने आए हैं। तो जैसे पिछले 2 साल काफी ज्यादा बुरा हाल रहा हमारे देश का, पूरे ही देश का, तो अभी कैसा महसूस हो रहा है, अभी कैसा है लग रहा है? पहले से तो बहुत बेहतर है क्योंकि अब थोड़ा कोरोना भी खत्म है, तो मास्क लगा के भी कर रहे हैं और पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। और तो लेकिन पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा, कोरोना के करके ट्रैफिक कम तो हुआ था, पोल्यूशन भी कम, लेकिन अब उतना ही फिर से डबल हो गया। मैं चाहती हूँ कि पोल्यूशन लाइक कि जैसे अभी ट्रैफिक है ना, एक रूल बना दें कि जैसे कि सस्त्री का सामान एक ही जगह लगाए तो ट्रैफिक उससे कम रहेगा। अब जगह जगह पे कोई सामान है तो फिर उससे ट्रैफिक भी ज़्यादा, और या तो एक चीज़ ला के, या तो एक्टिवा बाइक कार ना लाएं, अगर आपको पता है कि ये फेस्टिवल सीजन है तो कार वगैरह यूज़ करना कम करें, तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है। और दिवाली को लेकर कैसी एक्साइटमेंट है आपकी? बहुत ही एक्साइटेड है दिवाली को लेकर कि लाइक 2 साल बाद वैसे भी मनाया, बट वो एक्साइटमेंट नहीं थी कोरोना करके, रिलेटिव से भी मिलने से डर लगता था, अब तो ठीक है, मौसम भी और कोरोना करके बहुत ही सही लग रहा है कि इंजॉय करेंगे, लाइक इस बार तो इंजॉय करेंगे दिवाली। तो खरीदारी कैसी हुई आज की आपकी? आज की ट्रैफिक इतना है लेकिन कर लिया, अब घर जा रहे हैं। आपकी कैसी रहेगी दिवाली आप बताओ? जी ऑफ कोर्स हमारी भी अच्छी रहेगी। अगर आप ऐसे ड्यूटी करते रहोगे तो कहाँ अच्छी रहेगी, आप इंजॉय करो। जी बिल्कुल, आपके साथ भी इंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारा काम ही यही है। ओके, फिर हैप्पी दिवाली सबको है ना, आपको भी। जी यू टू, आपको भी हैप्पी दिवाली। तो ये आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है दिवाली को लेकर, और आप जानते हैं पिछले 2 साल कोविड के कारण जो दिवाली का त्यौहार था काफ़ी ज़्यादा फीका था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ये त्यौहार अच्छे से मना रहे हैं लोग और काफ़ी ज़्यादा बाजारों में रौनकें देखने को मिल रही है। मैम कैसा बीत रहा है इस साल का फेस्टिवल? बहुत अच्छा, आगे से बेटर है, कोरोना करके हम लोगों ने पिछले साल कोई खरीदारी नहीं करी, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है।
और ऐसे ही अपडेट जाने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी।